नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल की एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के बारे में। अब स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी एक रास्ते का संकरा हो जाने को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर, और यूरेथ्रा मतलब पेशाब की नली। तो जी हाँ दोस्तों, जब पेशाब की नली किसी भी कारण से, जो पेशाब की नली है वो उसके कोर्स में किसी भी हिस्से में, जब वो जो पेशाब की नली का रास्ता दब जाता है या फिर वो सकरा हो जाता है या नैरो हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं डिटेल में कि इसके कॉज क्या है, इसके साइंस क्या है, सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो बस अभी के लिए, बिल्कुल एक मिनट के लिए, हम दूसरी स्क्रीन पे जाके कुछ डायग्राम्स को और पिक्चर्स को देखते हैं, जिससे कि सारे दर्शक इस चीज को भली भांति समझ पाए कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। तो चलिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। अब मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये दूसरी स्क्रीन को। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए कि ये पेशाब की नली है, ये लिंग है, ये टेस्टिस है, और ये पेशाब की नली में ये जो आप सकरा रास्ते को देख पा रहे होंगे, दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर मतलब ये जो रास्ता है, ये पेशाब की नली जो नॉर्मल, जिसकी जितनी भी ल्यूमेन होती है, इस जगह पे वो ल्यूमेन कम हो गई है, मतलब ये पेशाब का रास्ता किसी कारण से रुक गया है। अभी आप ये दूसरा डायग्राम देखिए, इसमें और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये लिंग है और ये इसके अंदर पेशाब की नली या फिर यूरेथ्रा है। तो ये देखिए आप, यूरेथ्रा यहाँ पे दबा हुआ है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। इस डाले डायग्राम में बहुत अच्छे से एक एनिमेशन बता रहे हैं। ये दो जगह स्ट्रक्चर बना हुआ आप देख रहे हैं। ये लिंग है, मतलब ये पेनिस है, और ये जो पेनिस के अंदर की जो शाफ्ट है ये है, ये यूरेथ्रा है या फिर पेशाब की नली। अब ये आप पेशाब की नली इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक जगह यहाँ पे दबी हुई है ना, जस्ट अपना नेक ऑफ ब्लैडर के नीचे, और एक जगह ये यहाँ पर दबी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में दो जगह ये जो है यूरेथ्रा के अंदर स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, इस कंडीशन को कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भली भांति समझ चुके हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। तो दोस्तों, अब हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट आर द कॉसेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, इसके क्या कारण है। तो इसके अगर मोटे तौर पे कारणों को क्लासिफाई करें तो दो प्रकार का क्लासिफिकेशन है, एक होता है आर्टिफिशियल केस और एक होता है नेचुरल केस। नेचुरल तो आप समझ रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से ये बीमारी कब बनती है, वो हम आगे इस चैनल पे इस वीडियो में आगे देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से नेचुरली स्ट्रक्चर कब बनता है। बट हमको उन आर्टिफिशियल कंडीशन को भी समझना जरूरी है कि जिनके दौरान स्ट्रक्चर बन सकता है। तो दोस्तों, प्रोस्टेट के ऑपरेशन का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट। अब यहाँ पे नाम से प्रतीत हो रहा है कि ट्रांस यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा के थ्रू, जब भी यूरेथ्रा के थ्रू ऑपरेटिव प्रोसीजर किया जाता है प्रोस्टेट को निकालने का या प्रोस्टेट की सर्जरी का, तो क्योंकि वो प्रोस्टेट तक पहुंचने के लिए यूरेथ्रा के रास्ते से प्रॉब डालते हैं, तो दोस्तों TURP सर्जरी के दौरान 60-80% केसेस के अंदर बाद में पेशेंट को स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा बन जाता है। तो ये पहली कंडीशन है कि TURP के कारण। और ऐसे कोई भी लोग जो हम 70-80-90 साल के देख रहे हैं और उनकी प्रोस्टेट सर्जरी हो चुकी है, तो दोस्तों उनको आगे आने वाले समय में अगर उनकी सर्जरी TURP पद्धति से हुई है, तो उनके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा बन जाता है। ये पहला केस है। दूसरा केस, यूरेथ्रल इंजुरी जब भी होगी तो यूरेथ्रल इंजुरी के कारण वहां पे स्ट्रक्चर बनेगा, कॉमन सेंस है। अब जैसे कि कई लोगों को खून पतला करने की दवाएं चलती हैं, ठीक है ना, कई लोगों को जब खून पतला करने की दवाएं चल रही होती हैं, उस दौरान अगर उनको कैथेटराइज करने की कोशिश करते हैं फोर्सफुली, क्योंकि देखिए कैथेटर एक ऐसी चीज है कि कैथेटराइज जब आप पेशेंट को करते हो तो वो जो है बड़ा स्विफ्ट और स्मूथ तरीके से होना चाहिए, मतलब वहां जबरदस्ती नहीं चल रही कि आपने अगर लॉक्स जेल लगा के कैथेटर ट्यूब को आपने पेनिस में इंसर्ट करा तो वो या तो सीधे सीधे चला जाए, नहीं तो आप उसको विड्रॉ करके आप उसके ऊपर और अच्छे से उसको ल्यूब्रिकेट कर करके डालिए। पर दोस्तों, हर टेक्नीशियन ऐसा नहीं
होता। तो कैथेटराइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूरेथ्रल इंजुरी, मतलब जब जबरदस्ती कैथेटर डाला जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यूरेथ्रा के अंदर जबरदस्ती जबरन कैथेटर डालने से जब वो कहीं अड़ रहा हो तो यूरेथ्रल इंजुरी होती है। और जब भी यूरेथ्रल इंजुरी होगी, कॉमन सेंस लगाइए, जब भी यूरेथ्रा में चोट लगेगी वो चोट वहां पे जब हील होगी तो वहां पे हीलिंग के दौरान फाइब्रोसिस होगा और फलस्वरूप स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा बन जाएगा। ये थे दो आर्टिफिशियल कॉज। पहला था TURP सर्जरी, जो प्रोस्टेट के लिए यूज होती है उसमें यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो दूसरा है कि यूरेथ्रल इंजुरी किसी कारण से हो गई है तो वहां पे स्ट्रक्चर बनेगा। दोस्तों हम आते हैं नेचुरल कॉज पे। व्हाट इज द नेचुरल कंडीशन ड्यू टू व्हिच देयर कैन बी द प्रोडक्शन ऑफ अ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, और वो है दोस्तों दैट इज अ सॉर्ट ऑफ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज समवॉट सिमिलर लाइक गोनोरिया। आप मेरी बात समझिए, इन नाउअडेज वी डू नॉट फाइंड द पेशेंट ऑफ गोनोरिया वेरी फ्रीक्वेंटली। हम गोनोरिया और सिफिलिस तो हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, सिफिलिस हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, पर फिर भी हम गोनोरिया को देखते हैं। गोनोरिया को देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लीट, इन द फॉर्म ऑफ चिपचिपा डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेनोरिया। ब्लेनोरिया मतलब ग्लांस पेनिस का डिस्चार्ज, एक इन्फेक्टिव डिस्चार्ज होता है। तो ये कुछ फॉर्म है जिसमें आज भी हमको एक सटलर टाइप का गोनोरिया देखने में आता है। और जी हाँ दोस्तों, कि जब भी पेशेंट को इस प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, एस्पेशली गोनोरियल टाइप का या समवॉट लाइक गोनोरियल टाइप का, जिसके अंदर यूरेथ्रा से डिस्चार्जेस आ रहे होते हैं, जो ग्लांस पेनिस है उससे डिस्चार्जेस आ रहे होते हैं, प्रोप्यूस के अंदर जो है वहां से डिस्चार्जेस आ रहे होते हैं, और दोस्तों अगर ये बीमारी को जबरदस्ती कार्टिकोस्टेरॉइड या एंटीबायोटिक से दबाया जाता है, तो इसके दबने की वजह से भी स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा बनता है। और ये सबसे कॉमन कॉज है स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा का इन द नेचुरल केसेस। उसमें होता क्या है कि आप फर्ज करिए कि पेशेंट को पूरे को पूरे पेनिस के अंदर इस प्रकार का गोनोरियल या फिर कोई भी ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक इन्फेक्शन है, ठीक है ना। अब वो इन्फेक्टेड है तो उसका जो पूरा का पूरा यूरेथ्रा है, सोचिए अगर यूरेथ्रा इतना लंबा है, वो पूरा का पूरा यूरेथ्रा दोस्तों इन्फ्लेम्ड है, वहां पे इन्फ्लामेशन एक प्रकार का सटलर चल रहा है, और उसी इन्फ्लामेशन की थर्ड स्टेज से वो जो है वहां पे एक रिसाव, एक चिपचिपा पदार्थ का रिसाव हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं गोनोरियल डिस्चार्ज या फिर जिसको हम बोलते हैं ग्ली। जी हाँ दोस्तों, अब वो क्योंकि यूरेथ्रा पूरा इन्फ्लेम्ड है, और इस इन्फ्लेम्ड यूरेथ्रा का ट्रीटमेंट अगर किसी ने स्टेरॉइड से या हैवी एंटीबायोटिक से, हैवी एंटीबायोटिक और हैवी ड्रग से अगर करा, तो होगा क्या कि वो जो यूरेथ्रा है जिसके ऊपर इन्फ्लामेशन है, वो वहां पे वो जो इन्फ्लेम्ड स्टेट है यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा पूरे यूरेथ्रा में तो इन्फ्लेमेशन होगा नहीं, होगा एक छोटे से हिस्से में। और जी हाँ दोस्तों, अगर स्टेरॉइड और हैवी एंटीबायोटिक दिए जाएंगे तो वो जिस हिस्से में यूरेथ्रा के इन्फ्लामेशन है, वो इन्फ्लामेशन फाइब्रोसिस में तुरंत बदल जाएगा। मतलब वहां से जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं, वो डिस्चार्जेस वहीं पे सूख के फाइब्रस या फाइब्रिनस एक्सुडेशन में चेंज हो जाएंगे, और फलस्वरूप वहां पे फाइब्रोसिस या कॉन्ट्रेक्चर आ जाएगा, एंड इन दिस वे द पेशेंट हैव द यूरेथ्रल स्ट्रक्चर इन द केसेस विच इज इन होम्योपैथी इज नोन एज द, इसको कहते हैं सप्रेशन ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया था, चिपचिपा डिस्चार्ज निकल रहा था, यूरेथ्रा पूरा इन्फ्लेम्ड था, या फिर यूरेथ्रा का कोई स्पेसिफिक पार्ट इन्फ्लेम्ड था, और ये जो गोनोरिया था जो एक्सप्रेस कर रहा था अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ गोनोरियल डिस्चार्ज एंड ग्लीड, इसका गलत तरीके से ट्रीटमेंट, मतलब हैवी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट, या फिर जो उसको हम बोलेंगे दूसरी भाषा में कि वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो सप्रेशन है, कि आपने एक डिजीज की लैंग्वेज को आपने ऐसी दवाओं से आपने सप्रेस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उस सप्रेशन के कारण ये जो स्ट्रक्चर होता है वो उस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में बनेगा जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेम्ड था, वहां से सबसे ज्यादा एक्सुडेशन निकल रहा था, और वो एक्सुडेशन वापस फाइब्रोसिस या फाइब्रिनस एक्सुडेशन के फॉर्म में चेंज हो करके स्ट्रक्चर में बदल जाता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी व्यर्थ नहीं करेंगे समय, क्योंकि एलोपैथी में तो देखिए कोई इलाज है ही नहीं। इनफैक्ट एलोपैथी के कई ऐसे प्रोसीजर हैं, जैसे TURP हो गया, जबरदस्ती का कैथेटराइजेशन हो गया, उससे तो ये बीमारी बनती है, तो इलाज का तो आप भूल जाइए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये लोग क्या करते हैं एलोपैथी में कि डायलिटेशन का फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, कि होता क्या है कि वो स्ट्रक्चर एक
बंद कर देता है स्ट्रिक्चर। अभी अपन साइन एंड सिम्टम पे आएंगे तो उसमें देखेंगे कि स्ट्रिक्चर कई बार इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्चर इतना ज्यादा सीवियर होता है कि वो पूरा यूरेथ्रा को बंद कर देता है। तो इन लोगों को क्या करते हैं, एक डंडी देते हैं यूरोलॉजिस्ट, और उसको ल्यूब्रिकेट लगा के उसको बार बार दिन में एक बार दो बार के हिसाब से उसको खोलना पड़ता है। तो दैट इज एब्सोल्यूटली बुलशिट, कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज का सही तरीका नहीं है। अब साइन एंड सिम्टम में होगा क्या भाई, साइन एंड सिम्टम में भाई यूरिन का रिटेंशन होगा, क्योंकि भाई यूरेथ्रा जो है वो यूरेथ्रा ब्लॉक के बीच में स्ट्रिक्चर से, तो फिर पेशेंट फ्रीली यूरिन नहीं कर पाएगा, उसको यूरिन रिटेन भी हो जाएगी कई केसेस के अंदर, इतना रिटेंशन हो जाएगा कि वो बिना कैथेटर डाले यूरिन ही नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड भी नहीं है स्ट्रिक्चर से यूरेथ्रा, तब भी जो यूरिन की धार है, जो फ्लो है, वो इंटरप्टेड होगा, रुक रुक के होगा। पेशेंट बोलेगा कि बहुत फीबल स्ट्रीम आ रहा है, बहुत ही पतली धार आ रही है, और पेशाब को पूरी तरह से ब्लैडर को खाली करने में जोर लगाना पड़ रहा है, और यही चीज बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली वो रिटेंशन की स्थिति पैदा करती है कि पूरा यूरेथ्रा ब्लॉक हो जाता है और बिल्कुल भी टॉयलेट या यूरिन पास नहीं होती है। तो वहां पे वो जो केस होता है, वो केस फिर से सर्जरी करने का होता है कि इनको सर्जरी करके इसको खोलना पड़ता है, और वो सर्जरी भी बहुत ज्यादा दिन टिकती नहीं है, वो कुछ समय बाद वो भी विफल हो जाती है। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। तो दोस्तों, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर आर, द फर्स्ट वन इज द क्लिमेटिस इरेक्टा 200 पोटेंसी। जी हाँ दोस्तों, क्लिमेटिस इरेक्टा 200 पोटेंसी, 4-4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे। अब जैसा कि हमने इसके कॉज में, जो नेचुरल स्ट्रिक्चर है उसके कॉज में समझा कि इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गोनोरिया एंड द ग्लीट एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज, गोनोरियल डिस्चार्ज एंड सेपरेशन ऑफ गोनोरिया, सो द सेकेंड मेडिसिन इस रिलेशनशिप में वो होगी, वो एक साइकोटिक मेडिसिन होगी, बिकॉज यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का होना इसका नेचुरल कॉज जो है दैट इज ऑफ साइकोटिक ओरिजिन। तो इसलिए थूजा 200 पोटेंसी में 4-4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे, और ये जो मेडिसिन है ये आप अगर पेशेंट हैं इस बीमारी के, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के, तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद लीजिए, और अगर आप डॉक्टर हैं अपने पेशेंट को देना चाह रहे हैं तो बहुत केयरफुल स्टडी के बाद मिनिमम 1 महीने तक लीजिए। मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर मेडिसिन आप पे इंडिकेटेड है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत बढ़िया रिजल्ट अगर मिलते हैं आपको 1 महीने में, तो फिर मेडिसिन को 3 से 4 महीने और कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए। आने वाले वीडियो में और हर सैटरडे को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।